हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज स्टडी पोर्टल। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में कुछ एसएसटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो कि टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इस बार भी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एसएसटी के, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे किसी भी टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो ये कितने वर्ष पूर्व हुई थी फ्रेंड्स, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 400, 400, बी ऑप्शन है 320, सी ऑप्शन है 220, डी ऑप्शन है 30। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है डी ऑप्शन, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में एल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज़ और दक्षिण अमेरिका में एंडीज़ किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है वलित पर्वत, बी ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत, सी ऑप्शन है विच्छेदित पर्वत, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ए ऑप्शन, वलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो कौन सी सबसे बड़ी है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है एंडीज, सी ऑप्शन है काकेशस, डी ऑप्शन है अलास्का। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है बी ऑप्शन, एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है। तो इनमें से कौन सा जर्मनी में मिलता है पर्वत, तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट, बी ऑप्शन है एटलस, सी ऑप्शन है पिरेनीज और डी ऑप्शन है एपेनाइन्स। तो जो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका वो है ए ऑप्शन, ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है शिखर, बी ऑप्शन है टिब्बा, सी ऑप्शन है पठार, डी ऑप्शन है दर्रा। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है डी ऑप्शन, दर्रा, उनको दर्रा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सुनामी, बी ऑप्शन है सौर तापन, सी ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव, डी ऑप्शन है भूकंपीय प्रभाव। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी ऑप्शन, ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है शोभ मंडल, बी ऑप्शन है समता मंडल, सी ऑप्शन है मध्य मंडल, डी ऑप्शन है आयन मंडल। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ए ऑप्शन, शोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शोभ मंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल, सी ऑप्शन है आयन मंडल, डी ऑप्शन है ओजोन मंडल। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी ऑप्शन, ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है आयन मंडल, बी ऑप्शन है शोभ मंडल, सी ऑप्शन है समताप मंडल और डी ऑप्शन है वायुमंडल। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए ऑप्शन, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। तो पहला ऑप्शन है आयन मंडल, बी ऑप्शन है बर्म मंडल और सी ऑप्शन है समताप मंडल, डी ऑप्शन है शोभ मंडल। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी ऑप्शन, ब्रह्म मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म तीन वर्षों में से एक माना जाता है। तो ए ऑप्शन है 2006, 2006, बी ऑप्शन है 2008, सी ऑप्शन है 2009 और डी ऑप्शन है 2010। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो होगा डी ऑप्शन, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनों को परिघटना किस कारण से होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ऊष्मा का चालन और बी ऑप्शन है ऊष्मा का संवहन, सी ऑप्शन है ऊष्मा का विकिरण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी ऑप्शन, ऊष्मा का संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो कौन सी सबसे बड़ी झील है विश्व की फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है कैस्पियन सागर, बी ऑप्शन है अरल सागर, सी ऑप्शन है सुपीरियर झील, डी ऑप्शन है विक्टोरिया न्यांजा। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए ऑप्शन, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्मेनिया, बी ऑप्शन है अजरबैजान, सी ऑप्शन है कजाकिस्तान, डी ऑप्शन है तुर्कमेनिकिस्तान। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ए ऑप्शन, आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लाल सागर, बी ऑप्शन है तिमोर सागर, सी ऑप्शन है उत्तरी सागर और डी ऑप्शन है अरल सागर। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है डी ऑप्शन, अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो वो कौन सी नहर है फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन है स्वेज नहर, बी ऑप्शन है पनामा नहर, सी ऑप्शन है कील नहर और डी ऑप्शन है सू। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सी ऑप्शन, कील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का परिचालन जलपाश पद्धति द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वेज नहर, बी ऑप्शन है राइन नदी, सी ऑप्शन है डेन्यू नदी, डी ऑप्शन है पनामा नहर। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है डी ऑप्शन, पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कोटा बारू, बी ऑप्शन है कुआला टैरगानू और सी ऑप्शन है पुत्राजाया, डी ऑप्शन है ताइपिंग। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सी ऑप्शन, पुत्राजाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ए ऑप्शन है कैनबरा, बी ऑप्शन है सिडनी, सी ऑप्शन है वेलिंगटन और डी ऑप्शन है रियाद। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है बी ऑप्शन, सिडनी। बाकी सारी कैपिटल है, राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो ए ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, बी ऑप्शन है फिलीपींस, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है डी ऑप्शन, इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स ये कुछ SST क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा SST के जो कि टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनको जरूर करके जाना फ्रेंड्स। तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम और क्वेश्चन बताता रहूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।